रहे हैं द पीपल वॉइस, मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बेटियों को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शारीरिक रूप से असक्षम बालिकाओं को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि दोगुनी कर दी है। सरकार ने ये राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि राजस्थान में कोई बालिका शिक्षा में पीछे न रहे। इस सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सीएम के इस फैसले से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सांगानेर के सिरौली ग्राम पंचायत स्थित नंदगढ़ जिरोता पर व्यंजन प्रतियोगिता और सैनिटरी नैपकिन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां एडिशनल डायरेक्टर राजेश वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर उषा शर्मा और सांगानेर ग्रामीण CDPO अशोक शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं ने बैलेंस डाइट के लिए तिरंगा भोजन तैयार किया और अलग अलग रेसिपी बनाई। वहीं प्रतियोगिता में रेसिपी की क्वालिटी के आधार पर बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। वेदांता ममता की ओर से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्य का संचालन ममता NGO की ओर से सांगानेर ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर आशा दाधीच ने किया। इस मौके पर सांगानेर शहरी CDPO प्रिया वर्मा, वेदांता से रिया, KPMG से रवि भूषण, प्रवीण गोयल और हेमंत शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। देश में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजधानी के मानसरोवर में परिष्कार शिक्षण संस्थान की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आमजन को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। संस्थान की ओर से बच्चों के हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में यातायात निरीक्षक रसाली मीणा भी पहुंची और बच्चों के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए, एक निश्चित स्पीड से अधिक वाहन को नहीं चलाना चाहिए। कार्यक्रम के तहत बच्चे ट्रैफिक पॉइंट्स पर पहुंचे और राहगीरों को जागरूकता का संदेश दिया। इसमें ये है कि बच्चों ने जो संदेश दिया है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का उद्देश्य है। अभी आपको पता है कि पूरे देश के अंदर 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जीवन की रक्षा करना है, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करना है। हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना है, ट्रैफिक पॉइंट्स पर रेड लाइट को फॉलो करना है, गाड़ी ड्राइव करते समय मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करनी है और हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना है। बच्चे देश का भविष्य है, इन बच्चों की वजह से ही हमने परिष्कार से सचिन जी का कॉल आया था कि मैडम बच्चों को हम ट्रैफिक पॉइंट्स पे लेकर आएंगे और बच्चे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल कहा कि आप आज लेके आइए, 11:30 बजे का टाइम दिया था और बच्चों ने जो प्रैक्टिकल में जो मैसेज दिया है, जो यहाँ ट्रैफिक पॉइंट्स पे जो वाहन चालक है उन्होंने अच्छा मैसेज इसको एक्सेप्ट किया है और बच्चों को थैंक्स बोला है और इसके लिए मैं परिष्कार कोचिंग सेंटर का और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं अपितु हम सब जब नियमों को समझेंगे तो इससे जागरूकता आ सकेगी। और हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम निर्धारित स्पीड में चलें, नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने और इसके अलावा रॉन्ग साइड नहीं चलें। तो इसके बारे में मैं दो लाइन यही कहना चाहता हूँ कि परिवहन के साधनों ने बोनी कर दी दूरियाँ, वायु वेग से क्यों उड़ते हो, इतनी भी क्या मजबूरियाँ। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर एक माह से चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम हुआ, जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वाहन रैली निकालकर जागरूकता संदेश दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और जिला परिवहन अधिकारी JP बेरवा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्री चौराहा, अप्सरा टॉकीज, गोल प्याऊ और महाराणा प्रताप सेतु मार्ग होते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड प्लांट जाकर सम्पन्न हुई। रैली में 100 से अधिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनधारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को जागरूकता संदेश दिया। इस अवसर पर तृप्ति विजय वर्गीय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी आदित्य सिंह और दिनेश खत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। इसका आज जिंक के सहयोग से बड़ी रैली का आयोजन किया गया, मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा। मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश का प्रचार प्रसार करें, ताकि आम लोग, आम वाहन चालक इसको अपने जीवन में अमल कर देखते हैं। रोड सेफ्टी माह के दौरान दो दुर्घटनाएं बड़ी हुई है। एक तो 3 लोग गंगरार में बाइक पे आधी रात को एक्सीडेंट होकर ट्रोला से मारे गए और एक बस पलट जाने से 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, उसका हमें अफसोस है। ये दोनों दुर्घटनाएं यदि नहीं होती, किसी तरह कंट्रोल में रहती, तो शायद ये हमारा आंकड़ा नहीं बढ़ता। सामान्य रूप से आंकड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन इन दोनों दुर्घटनाओं में हमारा आंकड़ा माह के दौरान काफ़ी बढ़ा, जो चिंताजनक है। प्रयास करेंगे कि इन पर
अंकुश लगाया गया। पाली के बाली में नगर पालिका के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम सांसद पीपी चौधरी और बीजेपी जिला अध्यक्ष मंशाराम के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। वही कार्यक्रम में अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। समारोह में सांसद चौधरी ने बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में सभी पालिकाओं में भारी बहुमत से बीजेपी का बोर्ड बनाकर जनता ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि पालिका का विकास के मामलों में हर संभव सहयोग किया जाएगा। आज जो बाली नगर पालिका का कार्यक्रम है, सब पार्षदगण मौजूद, सब कार्यकर्तागण, और आज मीटिंग हुई है, बजट पास हुआ इनका, तो यही नहीं, इसके साथ साथ जो भी हमारे पूरे पाली में सातों की सातों पालिकाएं, नगर पालिकाएं, निकाय के चुनाव और सातों की सातों भाजपा को झोली में गई हैं। ये बहुत बड़ा मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम हुआ है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका जो श्रेय है, इसका जो धन्यवाद है, हमारे कार्यकर्ता को जाता है, आम जन को जाता है, मैं उनको सबको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द पीपल वॉइस।